हमारे देश के विकास में बने कई आधारभूत संरचनाओं को सरकार ने निजी हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सड़क और रेलवे से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि बेसिक स्ट्रक्चर एरियाज में प्राइवेट कंपनीज की भागीदारी के जरिए इन क्षेत्रों में विकास होगा, सरकार की संपत्ति में इजाफा भी होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं सरकार की इस नई योजना के बारे में, जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके अंदर सरकार निजी कंपनियों को सरकारी संपत्तियां किराए पर देने की बात कह रही है। दरअसल नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए सरकार अपनी आय में इजाफा करना चाहती है। इसके जरिए सरकार 8 मंत्रालय की प्रॉपर्टी को प्राइवेट कंपनीज को किराए पर देगी, या कहें सरकारी और निजी कंपनियां किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगी। जिन 8 मंत्रालयों में ये काम होगा उनमें रेलवे, टेलीकॉम, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, बिजली, युवा मामले, खेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवे शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार एनएमपी में साल 2022 से साल 2025 तक 6,00,000 करोड़ रुपए के एसेट्स बेचे जा सकते हैं। साथ ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स ही बेचेगी, इसका हक सरकार के पास ही होगा और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स को तय समय के बाद अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। साल 2022 से 2025 के बीच में जिन 6,00,000 करोड़ रुपए के एसेट्स को बेचा जाएगा, इसमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 741 किलोमीटर लंबा कोंकण रेलवे, 15 रेलवे स्टेडियम और रेलवे कॉलोनी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले पर कई विपक्षी पार्टियां हमलावर होती हुई नजर आईं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर ये तक कह डाला कि पीएम मोदी आकाश, पाताल और जमीन सब बेच डालेंगे। अन्य विरोधी पार्टियों ने ये तक कह डाला कि ये योजना साठगांठ वाले पूंजीपतियों की तरफ से सरकार का निजीकरण करने का उदाहरण है। सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।